हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ विजय दू। इस लेक्चर में हम लोग लॉकआउट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग स्ट्राइक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्राइक्स जो होता है एम्प्लॉय के द्वारा होता है, और लॉकआउट जो होता है एम्प्लॉयर के द्वारा होता है। तो लॉकआउट्स में होता क्या है? तो ये टेम्प्ररी वर्क स्टॉपेज होता है ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, जो मैनेजमेंट इसको कंडक्ट करती है। क्यों करती है इसको? लेबर डिस्प्यूट के नाम से करती है। फैक्ट्री लॉकआउट इज द अल्टीमेट वीपन, ठीक है, ये अल्टीमेट वीपन है ऑफ एम्प्लॉयर। फिर अपन डिस्कस करते हैं रीजंस फॉर लॉकआउट्स। तो क्या क्या रीजंस है लॉकआउट करने के? जैसे उसमें आपका डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, ये एक रीजन है। फेलियर इन मेंटेनिंग प्रॉपर इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, जिसमें आपका क्या है, इंडस्ट्रियल पीस एंड हारमोनी है। फिर आपका कंटिन्यूस और एक्यूमुलेटेड फाइनेंशियल लॉसेस है। अगर कंपनी क्या लॉस में जा रहा है तभी वो लॉकआउट कर सकती है, या फिर वहाँ पे जो वर्कर्स है उनके भी जो रिलेशन है वो सही नहीं है तब। इफ देयर इज इलीगल स्ट्राइक्स है, तो ये सब रीजन है उसके क्या है लॉकआउट्स करने का बाय एम्प्लॉयर का। फिर आपका क्या है, ये क्या होता है, इनफोर्स टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉन ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। ये यूनियन को फोर्स्ड भी करता है कि जो भी चेंजेस हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उसको क्या करे, एक्सेप्ट करे, इसके लिए भी लॉकआउट किया जाता है। फिर आपका वीपन्स यूज बाय एम्प्लॉयर्स टू गेट एम्प्लॉय एग्री टू देयर कंडीशंस। तो क्या क्या करता है वो कंडक्ट एम्प्लॉयर जो है, लॉकआउट है, स्ट्राइक्स ब्रेकर है, रीलोकेशन कंपनी मूवमेंट्स है, ठीक है, और येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब क्या है कि उनको जो एम्प्लॉयज है उसको साइन कराया जाता है कि वो जो यूनियन उसको ट्रेड यूनियन को ज्वाइन ना करे। ये हो गए एम्प्लॉयर के वीपन्स हो गए। एम्प्लॉय के वीपन्स क्या है, स्ट्राइक्स है, बाइकॉट्स है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, और क्या आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग है, लॉबिंग है, यूनियन के लोग एक साथ इकट्ठा होकर जो भी अपना डिमांड को फुलफिलने के लिए लॉबिंग करते हैं। तो ये सब क्या था हमारा, अपन डिस्कस कर रहे थे स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स इन इंडस्ट्री।